देखो आर रेडियो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर्स एक्स सेट पर वीक एट टोटल कॉस्ट ऑफ लीरा 1/25 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 100, दिस इज द टोटल कॉस्ट दिया गया है। ही इज द मोनोपोलिस्ट, अभी ऐसे याद समझ लेना, मोनोपोलिस्ट है और डिमांड फॉर हिज मार्केट इज x इक्वल टू 75 माइनस 3p व्हेन द प्राइस इज लीरा पर सेट सो दैट द मैक्सिमम नेट रेवेन्यू इज ऑब्टेन व्हेन अबाउट 30 सेट पर वीक रेडियो आर प्रोड्यूस। ठीक है, व्हाट इज द मोनोपोली प्राइस। देखिए आपका सिलेबस में दो चीज दिया गया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। तो मोनोपोली का कंडीशन हम लोगों ने देखा अब तक कि MR इक्वल टू MC, अगर ये इसको अंडर परफेक्ट कंपटीशन भी लेंगे तो वहां भी ये बन जाएगा। ठीक है, अगर आपको परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, चार कंडीशन होता है, MR इक्वल टू MC, ठीक है, और MC AR इक्वल टू AC, ये अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। अगर प्राइस दिया रहे और कॉस्ट देंगे तो उससे भी हम इक्वेट करके ये वाला आंसर निकाल लेंगे। अगर मान के चलो ये दोनों इंफॉर्मेशन दिए रहे तो परफेक्ट कंपटीशन में भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, प्राइस के बराबर होगा, वो हम बात की डिस्कस कर लेंगे उस पर। अब यहां पर आते हैं, MR इक्वल टू MC हमको निकालना है। तो टोटल कॉस्ट TC जो दिया गया है वो है 1/25 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 100। तो MC निकालेंगे, इसके हम क्या ले लेंगे डेरिवेटिव, तो 2x/25 + 3। अब MR निकालना है तो MR इतना आसानी से निकलेगा नहीं, क्योंकि P दिया गया है और P कैसे दिया गया, उल्टा सीधा दिया गया है, तो X इक्वल टू दिया गया, P तो हमको मिलेगा ही नहीं। X इक्वल टू 75 - 3p। अब देखो यहाँ पर हमारा जो MC या TC किसका फंक्शन है, X का, तो हमको P जब निकालेंगे, P का वैल्यू निकालेंगे, वो फंक्शन तब ना X का होगा, तो ये -3p को इधर उठा लो तो +3p हो गया और ये 75 - x हो गया, तो p बराबर क्या हो जाएगा 75 - x/3। अब इसको कर लेंगे 25 - x/3, ये जो हमारा हो गया क्या हो गया, ये हमारा प्राइस हो गया। अब TR हम आसानी से निकाल लेंगे, TR इक्वल टू p × x, तो p हमारा है 25 - x/3 × x, फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये TR हो जाएगा 25 x - x²/3। ठीक है, ये हमारा TR हो गया, और MR निकालना, इसी का डेरिवेटिव ले लेंगे तो MR निकल जाएगा, तो 25 - 2x/3। अब ये दोनों निकल जाएगा, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, ये FOC है, सेकंड ऑर्डर कंडीशन हम बाद में करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्लियर कर ले। तो MR निकल गया, MC निकल गया, अब सबका वैल्यू हमारे पास है दोनों का, तो MR का वैल्यू जो निकला 25 - 2x/3, और MC बराबर देखो हम यहाँ निकाले थे 2x/25 + 3। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलो जी। नो सर। ठीक है, हाँ, अब इसको 30 सेट हमको दिखाना है। ठीक है, तो देखो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो x वाला x साइड कर लो, तो -2x/3, 10वां क्लास के भी बच्चा कर लेगा, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। अब इसी को सेटिंग करने में जो तुमको दिक्कत हो, 3 - 25, अब यहाँ पर देखो LCM लेंगे 75, ये सब आता है ना, तो 5 यहाँ 3 से देंगे तो 25 - 50x - 3 यहाँ 3 होगा, 25 × 75 = 6 यानी -6x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -22। ठीक है, अब यहाँ पर आपका -56x इक्वल टू -22 × 75, क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन किए इसको, माइनस माइनस कैंसिल, देयर फॉर एक्स इक्वल टू 22 × 75, ठीक है, / 56। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक कुछ 1600 समथिंग आएगा, देखें
हाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 1650 आएगा, 1650 अपना मल्टीप्लाई कर लेना डिवाइडेड बाय 56, तो यहाँ पर इसको करोगे तो 29.46 आएगा, ठीक है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली 30 हम लेंगे अप्रोक्स, अब काहे लेंगे इसका हम आपको करते जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। यहाँ पर हमारा 29.46 आया, रेडियो जब भी एक कंप्लीट यूनिट में प्रोड्यूस किया जाता है वो अढ़ाई रेडियो तीन रेडियो नहीं, जब भी खरीदोगे तो दो रेडियो तीन रेडियो उसी तरह प्रोडक्शन भी होता है इसका, इसलिए 29.46 को आपको मानना पड़ेगा 30 सेट, यही तो हमको करना था। व्हेन प्राइस इज, यहाँ बोल रहे हैं सो दैट द मैक्सिमम नेट रेवेन्यू इज ऑब्टेन अबाउट 30 आर प्रोड्यूस पर वीक, तो MR इक्वल टू MC, चूंकि ये मैंने मोनोपोलिस्ट था उस हिसाब से हमारा 29 पॉइंट इतना आया। तो रेडियो कभी भी एक कंप्लीट यूनिट में प्रोड्यूस किया जाता है डिस्क्रीट यूनिट में, तो 30 अप्रोक्सीमेटली हो गया। अब जो सेकेंड ऑर्डर जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, SOC डेरिवेटिव यानी स्लोप ऑफ MR बाय MR इज लेस देन स्लोप ऑफ MC। अब इसको तुम निकाल के देख लेना, दोनों अपने आ जाएगा। हमने ये MR है तो यहाँ -2x लेंगे, -2/3 होगा, लेस देन यहाँ 2/25, तो यानी हैंस सेकेंड ऑर्डर SOC ऑल्सो सेटिस्फाइड, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस में एक चीज और पूछा है, व्हाट इज द मोनोपोली प्राइस, तो मोनोपोली प्राइस है हम पी बराबर मिटा दिए हैं, तो पी का वैल्यू हम फिर से वन सेकेंड से लिखना पड़ जाएगा हमको, तो पी बराबर हम लोगों ने ये निकाला था 25 माइनस, ठीक है, x/3, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने TR निकाला था तो वो वाला चीज हम लोगों ने मिटा दिया था, तो पी इक्वल टू 75 माइनस एक्स का वैल्यू कितना निकाले 30, यही ना एक्स का वैल्यू है 30/3, तो 25 माइनस 3 से काटेंगे 3 × 10 तो 15, तो 15 लीरा इसका प्राइस होगा पर रेडियो सेट, ठीक है। तो यहीं तक हमारा आज का क्लास है, ठीक है।